Welcome to Future of India. Today is our first topic is GST Council Meeting. Recently GST Council की 38 meeting हुई, उसके अंदर एक proposal लिया गया कि जो lotteries के ऊपर uniform tax लगेगा 28%. इससे पहले जो state run lotteries होती थी उनपे ऊपर tax लगता था 12% और state authorized lotteries जो कि private players के द्वारा उसको हैंडल किया जाता था उस पर टैक्स लगता था 28%, लेकिन अभी यूनिफॉर्मली लॉटरीज पे टैक्स लगेगा 28%. जीएसटी काउंसिल की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आर्टिकल 279 ए में मेंशन है. इसका काम क्या है, ये रिकमेंड करती है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को ऑन इशूज़ रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और ये एक फेडरल बॉडी है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा. अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है उसका वेटेज है 1/3, और सारे स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसका वेटेज है 2/3. मीन्स ओवरऑल जो स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेंटर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है. इसके अंदर कोई भी डिसीजन पास करना होता है तो उसके लिए मेजोरिटी चाहिए, 3/4 मेजोरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप याद रखना, फेडरल बॉडी 1/3, 2/3 एंड 3/4. टुडेज अवर सेकंड टॉपिक इज EVMs नॉट अंडर RTI एक्ट. दिल्ली हाई कोर्ट के एक रूलिंग आई है जिसके अंदर ये बताया गया कि EVM जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो RTI एक्ट के अंदर नहीं आते हैं. इस बार जैसे कि आपको बताया कि इससे पहले एक और वर्डिक्ट आया था जिसमें यह बताया गया था कि जो NGOs होते हैं, पहले NGOs RTI के अंदर नहीं आते थे, लेकिन अभी जो NGOs सब्सटेंशली फंडेड बाय द गवर्नमेंट वो NGOs RTI के अंदर आते हैं. इसके अलावा बात करें तो आपके IB जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है और इंटेलिजेंस एजेंसीज है रॉ, वो RTI के अंदर नहीं आती है. पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक RTI के अंदर नहीं आती है. तो इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कौन कौन सी बॉडीज RTI के अंदर आती है और कौन सी बॉडी RTI के अंदर नहीं आती है. तो अभी आपको याद रखना है कि EVMs है वो RTI के अंदर नहीं आते हैं. EVMs की बात करें तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर प्रोवाइड करता है इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस. और EVMs जो होते हैं वो इलेक्शंस के कंडक्ट के एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं. सो EVM RTI के अंदर नहीं आते. नेक्स्ट टॉपिक इज साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019. ये साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य मीन्स लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, किसके द्वारा, साहित्य अकेडमी के द्वारा. सो साहित्य अकेडमी अवार्ड की जो दिए जाते हैं वो एनुअली दिए जाते हैं. अभी दिए गए साहित्य जो दिए जाते हैं वो 23rd लैंग्वेज में दिए जाते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 23rd लैंग्वेजेस रिलेटेड जो लिटरेरी वर्क हुआ उस फील्ड में ये अवार्ड दिए जाते हैं. इसके अंदर एक एनग्रेव्ड कॉपर प्लेक मीन्स कॉपर की ये प्लेट इस टाइप की जो आप डायग्राम में देख सकते हैं वो दी जाती है, एक शॉल दी जाती है, और 1 लाख रुपीज़ मॉनेटरी अवार्ड भी दिया जाता है. तो एग्ज़ाम में आपको वो कन्फ्यूज कर सकते हैं कि इसमें कोई मॉनेटरी अवार्ड नहीं होता है. मॉनेटरी अवार्ड होता है कितना, 1 लाख रुपीज़. ये जो कॉपर प्लेक की बात करें तो इसको डिज़ाइन किया था इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत रॉय के द्वारा. इसको डिज़ाइन किया गया है. साहित्य अकेडमी अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1954 से दिए जा रहे हैं, और ये एनुअली दिए जाते हैं किसके द्वारा, साहित्य अकेडमी के द्वारा, जो कि इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है. अब ये अवार्ड जो है इसको किस फील्ड में दिए जाते हैं, इट इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट पब्लिश्ड इन एनी ऑफ द 23 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस. इस फील्ड में जो इन 23 लैंग्वेजेस के फील्ड में जो लिटरेरी वर्क होता है, आउटस्टैंडिंग वर्क, उस फील्ड में ये दिए जाते हैं. और इसके अंदर इंग्लिश भी मेंशन है, ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं. 23 जो लैंग्वेजेस है उसमें से एक इंग्लिश भी है. साहित्य अकेडमी अवार्ड इज द सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है. जो फर्स्ट हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है वो ज्ञानपीठ अवार्ड है. क्राइटेरिया की बात करें तो जो ऑथर है मस्ट बी ऑफ इंडियन नेशनलिटी होनी जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ नोट डाउन करो इसको. और जो कंट्रीब्यूशन है वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए. बुक वर्क एलिजिबल फॉर द अवार्ड मस्ट बी एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द लैंग्वेज एंड लिटरेचर टू विच इट बिलोंग्स. तो याद रखना, साहित्य अकेडमी अवार्ड साहित्य अकेडमी के द्वारा.
नेक्स्ट टॉपिक है एशियन हाउबारा बस्टर्ड। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो कतर की रॉयल फैमिलीज है उनको हंटिंग के लिए परमिशन दे दी है और इसका IUCN स्टेटस कैसा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन फिर भी इसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हंटिंग के लिए परमिशन दी है, तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अगर बस्टर्ड की बात करें तो ये लार्ज टेरेस्ट्रियल बर्ड होते हैं। इसकी जो बस्टर्ड की 2 डिस्टिंक्ट स्पीसीज पाई जाती है IUCN के अकॉर्डिंग, फर्स्ट है जो नॉर्थ अफ्रीका में और सेकंड है एशियन कैटेगरी में। सो हैबिटेट ऑफ एशियन हाउबेरा की बात करें तो इसका हैबिटेशन होता है एशियन, मेनली पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट एशिया, अक्रॉस सेंट्रल एशिया, मिडिल एशिया एंड द अरेबियन पेनिनसुला टू रिच द सिनाई डेजर्ट, जो कि कहाँ पे, इजिप्ट के अंदर। तो ये लोकेशन है जहाँ पर ये पाया जाता है और इसका IUCN स्टेटस कैसा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो आप याद रखना एशियन हाउबारा बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कालेश्वरम प्रोजेक्ट। तेलंगाना गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है उसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाए। नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिलते ही उस प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड जो कॉस्ट होती है उसके 90% जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट की फॉर्म में मनी प्रोवाइड की जाती है। ये कौन सी रिवर पे बना हुआ है, गोदावरी रिवर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट है। द सेंटर अंडर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जैसा कि आपको पता है आंध्र प्रदेश पहले एक स्टेट था, उसके बाद में 2014 में बाइफर्केशन हुआ और ये आंध्र प्रदेश और दूसरा स्टेट बन गया तेलंगाना। तो अभी ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इसको हैंडल किया जा रहा है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट। द सेंटर अंडर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 इज मैंडेटेड टू सपोर्ट प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज इन द सक्सेसर स्टेट्स इंक्लूडिंग एक्सपेंशन ऑफ फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तेलंगाना जब बना था उस टाइम पे 9 डिस्ट्रिक्ट थे, तो 10 डिस्ट्रिक्ट थे, 10 में से 9 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड उनको प्रोवाइड की जाती थी। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इंडिया के अंदर 272 आइडेंटिफाइड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उनको ग्रांट प्रोवाइड की जाती है इन ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। इसमें गोवा को छोड़ के जो कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से जो 275 जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए उनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ग्रांट प्रोवाइड की जाती है। जैसे नाम कैसा है, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, मीन्स बैकवर्ड रीजन को। अब इसके अंदर 2 टाइप की ग्रांट प्रोवाइड की जाती है, डेवलपमेंटल ग्रांट और दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग। सो जब तेलंगाना बना था उस टाइम पे 9 डिस्ट्रिक्ट थे वो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के अंदर थे। अब क्या है कि इस प्रोजेक्ट का, कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट का पर्पज़ क्या है, टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एंड रीस्टोर इरीगेशन टैंक। जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट पे ही आपको बताया गया मिशन भागीरथ, ये बनाया गया था किस लिए, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए, और मिशन काकतिया ये किसके लिए, रीस्टोर इरीगेशन टैंक। तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है वर्ल्ड का इरीगेशन और वाटर सप्लाई, मीन्स ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ इसमें मेंशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 की बात करें, इसको तेलंगाना एक्ट भी कहते हैं, और प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी इसको 1 मार्च 2014, उसके बाद में आंध्र प्रदेश से अलग स्टेट बन गया था तेलंगाना। अब 2017 मेंस के अंदर क्वेश्चन आया, इन व्हाट वे कैन फ्लड्स बी कन्वर्टेड इनटू अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ऑल वेदर इनलैंड नेविगेशन इन इंडिया। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पैकेज फूड ब्रिज सॉल्ट एंड फैट लिमिट। जब जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की गई उसमें ये पाया गया कि जो पैकेज्ड फूड्स थे उनके अंदर जो सॉल्ट और फैट की जो लिमिट होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड जो लिमिट है उससे बहुत ज़्यादा लिमिट को, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाए गए। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये जो लिमिट सेट करती है वो एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। इससे वो लिमिट को सेट करती है कि एक पर्टिकुलर डे में इतना सॉल्ट आपको कंज्यूम करना चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना चाहिए। तो एग्जाम में आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली ये वर्ड RDA वो किससे रिलेटेड न्यूज़ में था। तो आप ध्यान रखना रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ये क्या है, बेसिकली डेली सीलिंग्स है ऑफ द अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट फैट कार्बोहाइड्रेट एंड ट्रांस फैट, मीन्स इतना पर्टिकुलर लिमिट जो है वो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ, इतना सॉल्ट फैट और कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हो, ये डेली सीलिंग है। इट इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक कंसेंसस और जिसके जो लिमिट को डिसाइड किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया दोनों ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि जो लिमिट है वो करेक्ट है।
अब बात करें तो RDA की, तो डेली आपको 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 60 ग्राम ऑफ फैट, 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड 2.2 ग्राम ऑफ ट्रांस फैट ऑन एवरीडे बेसिस, इतना अलाउड है। इससे ज़्यादा है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इट इज़ अ पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन न्यू दिल्ली। 2019 के अंदर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया था, किस रिलेटेड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन। इसके अंदर क्या होगा कि जो पैकेज फूड होते हैं उसके ऊपर ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, कि इसके अंदर पर्टिकुलर कितनी एनर्जीज है, कितनी कैलोरी एनर्जी मिलेगी आपको, कितना सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट है, शुगर कितना है, सोडियम कितना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन उस पैकेट के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह कि ओनली ये ड्राफ्ट रेगुलेशन थी, अभी तक इस पर लॉ नहीं बना है, तो आप याद रखना अभी इसको लॉ बनाने की रिक्वायरमेंट है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का जो कंक्लूजन है वो ऐसा करते हैं कि जो पैकेट्स हैं उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए रेड ऑक्टागन। रेड ऑक्टागन बेसिकली क्या है, एक वार्निंग सिंबल है जो कि पैकेज फूड के अंदर फॉलो किया जाता है, चिली एंड पेरू के अंदर। जैसे सपोज करो लेबल लगा हुआ है रेड ऑक्टागन का, रेड 3.1 सॉल्ट, इसका मतलब क्या है, सॉल्ट की जो लिमिट है उससे 3.1 टाइम्स ज़्यादा लिमिट है, ज़्यादा सॉल्ट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में पाया जाता है। तो आप याद रखना रेड ऑक्टागन एक वार्निंग सिंबल है। सो फ्रेंड्स, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप फूड ले वो हेल्दी फूड ले, बिकॉज अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी फूड, और जहाँ तक हो सके जंक फूड और पैकेज फूड को अवॉइड करें। लेट्स मूव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, इसको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस से मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। सपोज करो एक बैंक ए है, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, बैंक के पास में 100 रुपीज़ है और बैंक ने लेंडिंग एक्टिविटीज़ उधार दे के जो फाइनल जो पैसा जनरेट होता है सपोज करो 1000 है, तो उस केस में मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 times। अब मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज कब होगा, जब बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहेगा और वो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कस्टमर को उधार देंगे, और वो एक कस्टमर से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, एक बैंक से दूसरे बैंक के पास पैसा जब ट्रांसफ़र होता जाएगा तो मनी मल्टीप्लाई होता जाता है, उसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। तब सिंपल टर्म्स में समझाए, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली क्या होता है कि बैंक को कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है उसको फिक्स अमाउंट को अपने पास में रखना पड़ता है कैश की फॉर्म में, CRR जिसको बोलते हैं, CRR और SLR। तो अब कैश रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज होगा तो उस केस में बैंक को अपने पास रिजर्व पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा, RBI के पास में ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, तो उस केस में बैंक जो लोन है वो कम दे पाएगी, तो उस केस में मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा नहीं होगा, सो फर्स्ट विल बी रॉन्ग। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जितनी ज़्यादा बैंकिंग हैबिट इंक्रीज होगी तो उस केस में जो लोग हैं वो पैसा कहाँ, बैंक के अंदर जमा करेंगे, जब बैंक के पास में ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा लोगों को लोन दे पाएंगे और उस केस में मनी आगे से आगे इंक्रीज होती जाएगी, तो उस केस में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सो मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग, सो करेक्ट आंसर विल बी बी, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, सो करेक्ट आंसर विल बी बी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।